नमस्कार दोस्तों, हर दिन कुछ नया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। आज का मेरा ये वीडियो गणपति बप्पा की बहन गौरी पूजन पर आधारित है। मैं आपको लेके चलूंगी महाराष्ट्र। हर तरफ गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। खास करके महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्य के गूंजों से पूरा महाराष्ट्र मग्न है। गणपति बप्पा के आगमन के साथ ही माता गौरी की पूजा की जाती है। इस सुंदर और अद्भुत दृश्य को मैं आपको दिखाऊंगी, किस तरह से लोग अपने घरों में माँ गौरी की झांकियों को सजाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। गणपति बप्पा के साथ गौरी की यह भव्य मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती है। यूं तो माँ दुर्गा को कई नामों से पुकारा जाता है, माँ अम्बे, माँ पार्वती, माँ गौरी आदि, लेकिन माँ गौरी का नाम बहुत ही प्रिय है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है गौरी पूजन। गौरी पूजन में महिलाएं माता पार्वती की आराधना करती हैं। यह त्यौहार खास करके महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गौरी पूजन हर साल गणेश चतुर्थी के चौथे अथवा पांचवें दिन ही पड़ता है। इस शुभ दिन देवी का आवाहन किया जाता है। व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार माता को लाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनका साज श्रृंगार करते हैं, उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हो। गणपति बप्पा के साथ ही माता का आगमन अति शुभ होता है। पहले दिन माँ का आगमन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। दूसरे दिन माँ की मुख्य पूजा की जाती है और तीसरे दिन देवी की विदाई कर दी जाती है। यूं तो माता हमारे हृदय में सदैव निवास करती हैं, लेकिन पूजा की विधि विधान के अनुसार उन्हें खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है और माता से यह आग्रह किया जाता है कि माता मेरे सारे कष्ट दूर कीजिए, हमारे परिवार पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हमारी सेवा में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। महाराष्ट्र में गौरी माता को गणपति बप्पा की बहन मानते हैं और अन्य प्रदेशों खासकर कर्नाटका में उन्हें पार्वती के रूप में पूजा जाता है। माता के अनेक रूपों में गौरी रूप सर्वव्यापी है। कहा जाता है कि पहले दिन गौरी माता अपने मायके आती हैं। पहले दिन गणपति बप्पा, जो माता गौरी के भाई हैं, वह माता गौरी को ससुराल से मायके लेकर आते हैं। बड़े ही आदर के साथ गौरी माता को अपने घर में सभी श्रद्धालु लेकर आते हैं। महिलाएं उनके लिए रंगोली बनाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। माता गौरी के साजो श्रृंगार की सभी सामग्रियों को एकत्र कर लिया जाता है और उनके आगमन बड़े ही भावभक्ति से की जाती है। रात में माता गौरी को साजो श्रृंगार के साथ उन्हें गणपति बप्पा के साथ खड़ा कर दिया जाता है। उनकी आरती की जाती है, रंगोली बनाई जाती है। जिस प्रकार लड़कियां अपने मायके जाती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, अपनी सहेलियों से मिलती हैं, अपने परिवारजनों से मिलती हैं और विभिन्न प्रकार के खिलौनों को सजाया जाता है, गणपति बप्पा के साथ घर में आने से घरों की रौनक और भी बढ़ जाती है। गौरी माता के आगमन पर भगवान विष्णु का आवाहन जरूरी है, इसलिए दूसरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात सत्यनारायण जी की कथा की जाती है। माता गौरी को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इन पकवानों की संख्या 56 होती है। घर की महिलाएं ठीक उसी प्रकार से माता गौरी की सेवा करती हैं या उनके लिए सब कुछ करती हैं जैसे लड़कियों के आने पर मायके में माता और पिता करते हैं। यह अद्भुत दृश्य है। इस मनोहर दृश्य को देखकर सभी माता गौरी और श्री गणेश जी की जयकारे लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ महाराष्ट्रीय महिला के पास, जो हमें इस गौरी पूजा की विधि विधान को बताएंगी। गौरी पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे छिपे हुए कारण और भी कई रोचक बातें,
तो चलते हैं। खूप जोरात स्वागत होतं आणि मग त्यांची आरती वगैरे करून त्यांना सगळ्या बायका सवाष्णी ओवाळतात, घरात घेतात त्यांना संध्याकाळी 6 वाजता आणि मग रात्रीचं सगळं त्यांना भाजी भाकरी आणि वरण भात वगैरे असं जेवण देतात आणि मग रात्रीच त्यांना नवीन साड्या दागिने वगैरे घालतात आणि मग सगळं त्यांना रात्रीचं असं मखरात त्यांना बसवलं जातं आणि गोड मिठाई वगैरे सगळे दागदागिने इथे सगळं त्यांना ठेवलं जातं, पुढे लाडू करंज्या वगैरे आणि त्यांची खेळणी वगैरे, नंतर सगळे देवदेवता वगैरे असे सगळे त्यांना भेटायला येतात त्या माहेरी आले म्हणून आणि मग सगळे त्यांच्या सख्या मैत्रिणी मित्र मैत्रिणी सगळे एकत्र बसतात वगैरे खेळतात बिळतात त्या दिवशी आणि दुसऱ्या दिवशी पुरणपोळी वगैरे सगळं असं जेवण वगैरे करतात, पाहुण्याला वगैरे येतात आणि तिसऱ्या दिवशी मग त्यांना शेवयांची खीर वगैरे बनवतात सकाळी आणि मग त्यांना दुपारून त्यांना सासरी पाठवलं जातं। नमस्ते, गणपती बाप्पा मोरया। गणपति बप्पा हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं, उसके 2 या 3 दिन बाद हमारे यहाँ गौरी का आगमन होता है। गौरी को हम महाराष्ट्र में गणपति जी की बहन के रूप में मान के उनकी सेवा करते हैं और महाराष्ट्र छोड़ के इतर राष्ट्रों में उनको पार्वती जी के रूप में उनको सेवा करते हैं। गणपति जी आने के दूसरे या तीसरे दिन हमारे घर में गौरी जी का आगमन होता है। जो गौरी जी हम आते हैं, पहले दिन आते हैं, दूसरे दिन वो रुकते हैं, तीसरे दिन उनकी विदाई होती है। दो तीन दिन हम उनकी बहुत ही आदर भाव से सेवा करते हैं। उनके लिए अलग अलग तरह की रंगोलियां दरवाजों पे बनाई जाती है। उसके बाद उनके लिए बहुत ही अलग अलग तरीके से मिठाइयां बनाई जाती है, घर में बनाई जाती है, फ्रूट लाए जाते हैं, बहुत सारे फल दिखाए जाते हैं उनको खाने के लिए। हम पहले दिन उनको भाजी और भाकरी का भोग लगाया जाता है, उसके बाद हम दूसरे दिन उनके लिए पूरनपोली बनाते हैं, पूरनपोली का भोग लगाया जाता है। हम उनको भाजी भाकरी का भोग लगाते हैं, दूसरे दिन हम उनको पूरनपोली बना के भोग लगाते हैं। उनके लिए हम जैसे भी हमारी इच्छा के अनुसार सब साज श्रृंगार करते हैं, उसके बाद हम उनको नई साड़ी चूड़िया बिंदी वो सब ये कराते हैं, अलग अलग तरीके के गजरे वगैरह लाए जाते हैं। उसके तीसरे दिन फिर उनकी गणपति बप्पा के साथ में विदाई होती है। मैंने आपको गणपति बप्पा के साथ माता गौरी के भी दर्शन कराए, उनकी विभिन्न झांकियां दिखाई, साथ ही हमने जाना क्यों और किस प्रकार की जाती है गौरी पूजा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए देखते रहें हर दिन कुछ नया। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।